हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अरबी की सब्जी। अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू और अरबी दोनों को टुकड़ों में काट लिया है, एक क्यूब्स में। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक लिया है, बेसिक से मसाले लिए हैं। यहाँ पे मेरा कढ़ाई गरम हो गया है। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दूँगी। तेल हम गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद आलू और अरबी को एक साथ फ्राई कर लेंगे। आप चाहिए तो अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं, बट एक साथ फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम बचता है। इसलिए ये देखिए, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी देके आलू और अरबी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ढक के। 30-40% तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये सब्जी मेरे इस रेसिपी इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनता है, और बहुत हेल्दी वे में मैं आज बना रही हूँ, बहुत कम मसालों के साथ। देखिए, आलू और भी फ्राई हो गया, मैंने निकाल लिया प्लेट में। अब मैं उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल दे दिया है। तेल में मैं तेज़पत्ता, जीरा, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची दूंगी। सारा खड़ा गरम मसाला देखिए, इसको थोड़ा सा चटकने दूंगी। फिर मैंने प्याज और एक कोटा हरा मिर्चा दिया। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो खड़ा गरम मसाला के साथ आप सूखा मिर्च भी दे सकते हैं। ये देखिए, प्याज को हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। प्याज हमारा पक गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच भी नहीं, एकदम थोड़ा सा लिया है मैंने, क्योंकि आज मैं बहुत कम मसालों में बना रही हूँ ये सब्जी। मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक और ये स्वाद अनुसार नमक और आधा टेबल स्पून हल्दी दे देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो आलू और अरबी हमने फ्राई करके रखा है, उन सबको हम इसी प्याज और लहसुन अदरक के साथ 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे और मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इन सबको अच्छे से प्याज के साथ भूनेंगे। ये देखिए, इनको भूनने के बाद बेसिक से मसाले हम आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर, ये सब बेसिक मसाले देंगे। आधा स्पून मैंने यूज़ किया है, कम मसाले में बना रही हूँ आज सब्जी। और आधा टेबल स्पून गरम मसाला और आधा टेबल स्पून ये कलर वाला चिली पाउडर लिया है मैंने। आप चाहिए तो स्पाइसी वाला चिली पाउडर भी ले सकते हैं। और प्लीज़, अगर मेरा ये रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा रेसिपी नेक्स्ट बनाऊँ मैं। और ये देखिए, अच्छे से मसाले भूनने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है। टमाटर और ये गोटा मिर्ची मैंने यूज़ किया है। इन सबको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि मैं इसमें 1 सीटी लगाऊँगी। प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करने के ये जल्दी पक भी जाता है और बहुत टेस्टी आता है सब्जी। ये देखिए, पानी आप अपने ग्रेवी के अनुसार दें, जितना ग्रेवी आपको चाहिए। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया दे दिया है। अभी मैं इसमें 1 सीटी तक इसको पकाऊंगी। फ्लेम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे 1 सीटी तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, हमारा पक गया है सब्जी। इस पे मैं लास्ट में हरा धनिया और 1 चम्मच घी देके बंद कर दूंगी फ्लेम। हमारा टेस्टी सा, यम्मी सा, कम मसालों के साथ सब्जी रेडी है अरबी का। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको गरम राइस और गरम पराठे के साथ खाइएगा ये सब्जी। थैंक यू।